बिहार के लोग पिछले कुछ महीनों से घर बनाने का सपना छोड़ चुके हैं। बालू के साथ साथ अन्य निर्माण सामग्रियां जैसे छड़, गिट्टी और सीमेंट भी इतनी तेजी से महंगे हो रहे हैं कि अब लोगों के लिए घर बनाने की सोचना भी किसी हादसे जैसा लगता है। लेकिन इन सबके बीच अब एक अच्छी खबर ये है कि बिहार में बालू की कीमत जल्द ही कम हो सकती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि घाटों की नीलामी शुरू कर दी गई है। बिहार में अब लोगों को घर या अन्य निर्माण कार्य में राहत मिलने की संभावना है। प्रदेश में अब जल्द ही बालू की कीमत में गिरावट आ सकती है। दरअसल बिहार राज्य खनिज विकास निगम ने बचे हुए लगभग 100 बालू घाटों की नीलामी शुरू कर दी है। ये बालू घाट पटना समेत कई अन्य जिलों में हैं। इन घाटों की नीलामी होने के बाद अवैध खनन पर रोक लगेगा और अधिक मात्रा में बालू बाजार में उपलब्ध हो सकेगा, जिसका असर कीमत पर भी दिखना तय माना जा रहा है। पटना, भोजपुर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, अरवल, बेतिया, सारण, बांका, बक्सर और किशनगंज जिले के बालू घाटों की नीलामी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार खनिज विकास निगम जून से पहले इन बालू घाटों में खनन की प्रक्रिया को शुरू कराने के प्रयास में है। फिलहाल एनजीटी के आदेश के तहत तय तिथि को ध्यान में रखकर सब कुछ किया जा रहा है, ताकि खनन पर रोक की अवधि में ही इसे पूरा कर लिया जाए। जिन बालू घाटों की नीलामी की जा रही है उनमें खनन के कारण बाजार में मांग के मुताबिक बालू उपलब्ध हो सकेगा, जिसके कारण लोगों को बालू की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन बालू घाटों की नीलामी अभी तक कई अलग अलग कारणों से रुकी हुई थी। अब पटना समेत 14 जिलों के लिए निविदा निकाल दी गई है। नीलामी से बचे इन घाटों में अधिकतर घाट ऐसे हैं जो अवैध खनन का अड्डा बन चुके हैं। बालू माफियाओं ने यहाँ अपने ढंग से पांव पसार लिए हैं। अब जब घाटों की नीलामी शुरू हो जाएगी तो अवैध खनन पर भी रोक लगेगा। बालू की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। कीमत में कमी होने के बाद लोगों को भी घर और फ्लैट वगैरह बनाने में राहत तो जरूर मिलने वाली है। जून से पहले खनन शुरू करने की उम्मीद भी जताए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल सरकार ने जो बात कही है, जो विभाग के द्वारा बात कही जा रही है, उसके मुताबिक बालू की खनन पर रोक कैसे लगेगा और अवैध खनन पर रोक कैसे लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बार बार ये बात तो कही जाती है कि अवैध खनन पर रोक लगेगा और बालू के दाम गिरेंगे, लेकिन ये बातें सिर्फ कागजों में रह जाती है। बिहार के लोगों के हाथ में आता है तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई। यही कारण है कि बिहार के लोग आजकल घर बनाने के लिए सपना देखना छोड़ चुके हैं। कारण ये है कि इतनी महंगाई में अगर वो घर बनाने की सोचते भी हैं तो माथा पकड़ लेते हैं और कभी कभी तो गर्मी के मौसम में अस्पताल भी जाना पड़ता है। कारण होता है पैसे का तनाव। अब इस तनाव के बीच में इतनी महंगाई में लोग घर बनाने की सोचना तो दूर, अब इसके बारे में बात भी नहीं करते। बहरहाल अब देखना है कि बालू की कीमत कब सस्ती होती है और बालू की कीमत में गिरावट आने के बाद क्या लोग राहत महसूस कर पाते हैं, क्योंकि अन्य भी निर्माण सामग्रियां हैं जो कि काफी महंगी है। बात करें सरिया की तो सरिया जितना महंगा हुआ है, इतना महंगा पहले लोगों ने कभी नहीं लिया था। इन कुछ महीनों में सरिया की कीमत आसमान छूने लगी है, तो वहीं गिट्टी और सीमेंट भी पीछे नहीं है। अब ऐसे भी बालू की कीमत तो कम हुई नहीं है, कब होती है ये देखना है। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।